الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد। अब सवाल ये है कि इस्लाम में गैर मुस्लिमों के साथ कैसा सलूक किया जाए, तो इसका जवाब ये है कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। मसलन कोई गैर मुस्लिम तुम्हारा पड़ोसी है और वो तंग दस्त है, वो बिल्कुल गरीब है, तेरे पास बहुत पैसा है, तो उसकी अगर तू मदद करता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, और अगर तू गैर मुस्लिम के साथ खाना खाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं, अगर गैर मुस्लिम के बर्तन में तू खाता है तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं। हाँ, बाकी गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती लगाना और उससे मोहब्बत करना ये नाजायज़ है, और गैर मुस्लिमों के साथ तू उठ बैठ सकता है, मसलन गैर मुस्लिमों के साथ तू कारोबार वगैरह भी कर सकता है। बाकी यानी गैर मुस्लिम अगर बेचारा गरीब है, तंग दस्त है, उससे मोहब्बत ना होनी चाहिए, अगर तू उसकी मदद करता है तो कर ले, लेकिन उससे एक मोहब्बत और अकीदत होती है, ये गैर मुस्लिमों के साथ ना होनी चाहिए। बाकी जो गैर मुस्लिमों के जो दिन होते हैं ये मनाते हैं, और उन दिनों के अंदर इनके साथ उनके इज्तिमा में न जाना चाहिए, क्योंकि इससे हदीस में क्या है मने आई है, रसूल अल्लाह फरमाया जो शख्स जिस इज्तिमा को बढ़ाता है वो गोया के उनमें से है, तो इनके जो दिन होते हैं मनाने के, उस दिन इनकी खुशी में इनसे इनके साथ शामिल ना होना चाहिए। हाँ, बाकी गैर मुस्लिमों को सलाम न करना चाहिए, अगर उसने पहल कर दिए तो तू सिर्फ वालेकुम कह दे। हाँ, अगर कोई ऐसा है तो गैर मुस्लिम लेकिन तेरा उस्ताद है, तुझे कोई ना कोई क्लास उसने तुझे पढ़ाई है, तो तू उससे सलाम की पहल न कर, अगर मौका मिले जब भी उससे मिले तो उससे हाल कर, हजरत जी आपकी तबीयत कैसी है, उस्ताद जी आप खुश हो, आप ये हो, ताकि उसको रंज ना हो कि इसने मुझे सलाम नहीं किया। तो फिर गैर मुस्लिमों के साथ इस्लाम के अंदर अच्छा सलूक रखना सही है, क्योंकि ये इस्लाम ने हमें सिखाया है।